रोजाना नए वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। क्या बात करने? मैं शादी को लेकर। शादी को क्या होगा? यही कहना, मैं अब हम ये शादी नहीं कर सकते। What? अब वो सेतु भाग गई तो उसके चक्कर में हम अपनी अनन्या को सफर क्यों करने देंगे? मुझे ऋत्विक से बात करनी है, मैं उसे अभी कॉल करती हूँ। अरे इसका तो फोन ही स्विच ऑफ है। ओ ये तू फोन छट। ओ ये लास्ट मिनट के सियापे मैंने बहुत देख लिया है। पहले ही एक बच्चे की शादी का तमाशा देख चुका हूँ, अब दूसरा तमाशा नहीं देखना चाहता। देखना इतने काम पड़े हैं और लड़की का भाई नालायक और निकम्मा होके बैठा हुआ है। तो देख पुत्र, तू अब दुल्हन जैसा बिहेव करना शुरू करना पुत्र। मेरी शादी में मैं कोई रुकावट नहीं आने दूंगा। मेरे बच्चे तू ही पापा की हेल्प कराना। चला नीचे आ। रिस्क लेके आने की जरूरत क्या थी तुम्हें? तो मैंने कहा था ना कि मैं सब कुछ खुद। अभी यहाँ कोई भी आ सकता है, फिर ऐसे निकलते, फिर मैं तुम्हें बताऊं। आप बाथरूम के पीछे सर्विस लेना है। चलो अब समझाओगी मुझे तुम? इन द मिडल ऑफ द डे यहाँ क्या कर रही थी? हाउ डिड यू इवन गेट इनसाइड? मुझे अपनी मम्मा की बहुत टेंशन हो रही थी रिस्क। पापा विजय अंकल इज राइट, हमें ना कॉकटेल पार्टी कैंसिल कर देनी चाहिए। और तुम भी वही गलती करने जाते जो मैं करने वाली थी। उस खिड़की से जंप करते तो तुम्हारे पैर टूट जाते। Yeah, quite possible. मेरे पैर बचाने के लिए थैंक यू, बट यहाँ तक आने की क्या जरूरत थी? I mean, this is too much of a risk. बताया ना तुम्हें, अपनी मॉम के लिए आई मैं। पूरी अंकल बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट, अगर वो मेरी मॉम के बारे में कुछ भी बोलेंगे शक के बिना पे वो मेरी मॉम को जेल पे डाल देंगे। मेरी फैमिली की कितनी बदनामी होगी, मेरी मॉम का पूरा बिजनेस खराब हो जाएगा। पूरी अंकल तो सारा गुस्सा मेरी मॉम पे निकाल रहे हैं। मेरी मॉम को जेल हो गई तो कुछ नहीं होने दूंगा। ना तुम्हारी मॉम को ना ही तुम्हें। प्लीज ये रोना धोना मत करना, चैनल नहीं होता। ये धोने धोने वाली पलक को बैठ करके आते हो, वो गुस्से वाली पलक है ना जो बैंड बजा के सकती है, वो ठीक है। You're right. I have to be strong. ये मुझे पूरी अंकल के कमरे से मिला। ये सेतु का है, ये उसी के दुपट्टे का है। नो और अभी हमारा प्रूफ है। अभी सीधा घर जाऊंगा, डैड से बात करूंगा, हम ढूंढ लेंगे सेतु को। ट्रस्ट मी, ओके? कुछ नहीं होने दूंगा तुम्हें, थोड़ा सा भरोसा रखो उस पर। एनी,
किन ख्यालों में खोई हुई हो? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। अरे मम्मी ये सब जो हो रहा है ना, आप ही बताएं ना, किसी की भी शादी ऐसे होती है, अभी शायद मेरी किस्मत खराब है। एनी, हम तुम्हारी शादी में कोई प्रॉब्लम नहीं होने देंगे, प्रॉमिस। इट्स नॉट दैट सिंपल मम्मा। पता है रिकी भी ना बहुत अलग माइंड में है, कुछ कहते कहते रुक गया और फिर बिना बाय बोले चला गया मम्मा। मुझे नहीं पता इसके बाद क्या होगा। बस मैं स्ट्रेस, इट्स ओके, ठीक है। Hello guys, welcome to the party. It's Ritvik Ananya's cocktail party. So enjoy the night, enjoy the music. Dad, कहाँ हैं? मम, फोन नहीं उठा रहे हैं। क्या बात है? बहुत स्ट्रेस लग रहे हो, क्या हुआ? मुझे डैड से बहुत जरूरी बात करनी है। आप शेयर समथिंग। पापा बाहर गए, ऑफिस गए हुए हैं। वो लंदन के कौन से प्योर लाइफ फार्मा वाले, उनसे कोई बात करने गए। He'll take time. तो मुझे बताओ क्या हुआ? मम, अपने साथ चलते। मम, आप इस वक्त किसी को कुछ मत बोलना, बट सेतु जो गायब हुई है उसके पीछे पूरी अंकल का ही हाथ है। क्या मतलब तेरा? डैड, डैड मुझे कुछ मिला है। विकी, मॉम, डैड, एक और पेन ड्राइव है। आई थिंक सेतु ने एक और वीडियो भेजा है। जो चाहती हूँ वो नहीं होगा, क्योंकि किसी को मुझसे प्यार ही नहीं है। मेरे अपने पेरेंट्स को मेरी परवाह नहीं, तो मैं किसी की क्यों परवाह करूं? मुझे किसी से कभी नहीं मिलना, ये दिन मैं माफ करके रखूंगी। जिस दिन मुझे धोखा मिला मेरे अपनों से, माफ करके रखूंगी मैं ये दिन। एक मिनट, मुझे से रिवाइंड करने दीजिए। ये सेतु जो कुछ भी कर रही है, इट्स प्रीटी ऑब्वियस, वो पूरी अंकल के प्रेशर के अंडर आके ही कर रही है भाई। मेरी बेटी की शादी खराब नहीं होनी चाहिए। हटो ये सब से आपे, काम पे लगो, चलो। पूरी अंकल के सीसीटीवी फुटेज के हिसाब से सेतु उनके घर पे गई थी that same day, और वहाँ पर एक time stamp में jump है। उसके बाद सेतु वहाँ से बाहर निकली ही नहीं है। That's not it. ये सेतु का है। हाँ, सेतु ने ऐसे ही कुछ पहन रखा था। मैं, आप जानती हैं मुझे कहाँ मिला? पूरी अंकल के कमरे में। डैड उनके दरवाजे के पीछे की तरफ ये अटका हुआ था, और जिस तरह से ये वहाँ पे लगा हुआ था ना, इट्स क्वाइट क्लियर कि वहाँ पे कुछ स्ट्रगल हुई है। दैट्स व्हाई ये फंस गया था वहाँ पर। इट्स क्वाइट क्लियर पूरी अंकल ये सब कर रहे हैं। आपको उनसे बात करनी पड़ेगी। अंकल आपने नोटिस किया सेतु को चोट कहाँ लगी है? आंटी आपको याद है कबीर ही सेतु को ऐसे मारता था? याद है आपको, वो जब भी उसे मारता था उसकी कलाई मोड़ता था, उसको ऐसे ही चोट लगती थी। Do you remember? हाँ, कैसे भूल सकती हूँ मैं। एक बार कबीर ने सेतु से उसके नानी की चूड़ियां मांगी थी, और जब उसने मना कर दिया था तो उसने उसकी कलाई पर, अब देखिए, अब ध्यान से देखिए, सेतु उसी कलाई पे पॉइंट कर रही है। वो हमें इनडायरेक्टली इंडिकेट कर रही है कि मार्क है धोखे का जिसने उसे चोट पहुंचाई है। वो ये बता रही है कि इन सबके पीछे कबीर है। इस कबीर ऐसा क्यों करेगा भला? अंकल आपको पता है कबीर को सेतु से कितनी प्रॉब्लम है, वो नहीं देख सकता उसे खुश, इसलिए वो ये सब कुछ कर रहा है। और सेतु जमीन के बारे में बात कर रही थी, इसका कबीर से क्या लेना देना? अंकल ये मुझे नहीं पता, पर मुझे इतना पता है कि सेतु ने मैं इनडायरेक्टली इंडिकेट किया है कि ये सब कबीर कर रहा है, कबीर ने उसे पकड़ के रखा है। एंड आई नो, क्योंकि सेतु के पास जब भी ऐसे केसेस आते थे तो वो मेरे साथ इन्वेस्टिगेशन शेयर करती थी। वो बताते थे कि किडनैपिंग में ऐसे कैसे क्लूज ढूंढते हैं, वो लोग कैसे काम करते हैं, और यहाँ उसने वही किया है ना, उसने हमें क्लू दिया है। इसका मतलब अब हमें कबीर को ढूंढना होगा। यस, हमें कबीर को ढूंढना है। ऋतिक तो अपने पापा से बात करने वाला है, वो उन्हें ये बोलने वाला है कि पूरी अंकल की वजह से सब कुछ हुआ है। अलग तो एक काम कर, तू जाकर जल्दी से ऋतिक को रोक,
मैं यहाँ हैंडल करता हूँ। जा जा। तू छेती जा पुत्र। ओए ओए कबीर निकले। शशि अगर पूरी भाई साहब ने ये सब करवाया तो हम ये रिश्ता नहीं कर सकते। कोई छोटी मोटी बात नहीं है। किसी की लड़की को इस तरह उठवा लेना, इस तरह के वीडियोस भेजना, दिस इज नॉट ओके। गाइस आप लोग क्या कर रहे हो यहाँ पर? सब नीचे आ गए हैं, चलो ना। और मेरे पास बड़ा ही सॉलिड वाला सरप्राइज है। चलो चलो, यू विल एंजॉय। चलो ना मम्मी। बाय। कम। गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन। आज मेरे वीरे की वेडिंग सेलिब्रेशन स्टार्ट हो रही है, तो ये पार्टी किक स्टार्ट करने के लिए एक बहुत ही सॉलिड सरप्राइज है हमारे पास। और वो सरप्राइज है बॉलीवुड जीवा सुपर स्टनिंग सुपर गॉर्जियस प्रियारा खन्ना। पूरी भाई साहब जाके बात क्लियर कर। वो फोन नहीं उठा रहा है भैया, प्लीज जल्दी चलिए ना। Ladies and gentlemen, thank you for the applause. But today is not my day. आज का दिन मेरा नहीं, ऋत्विक और अनन्या का है. Guys, please be on stage with me. Come on. So obviously, आप दोनों को कुछ special करना होगा as a couple. You have to choose one thing. और इसमें जो भी हुआ, वो आप लोगों को करना पड़ेगा. पूरी मैंने तेरे लिए गाल करनी है। चलो यार अभी। हाँ अभी। अरे 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 ब्राइड एंड ग्रूम के डैडी कहाँ चले आप? चलो इतने इंटरेस्टिंग हो रहा, अभी कहीं जाना। चलो अंकल आ जाओ। आप लेफ्ट। आर यू श्योर? लेफ्ट या श्योर। ओके इट्स अ किस गाइस। Anything to you? आप लोगों को किस करना ही पड़ेगा। Kiss, 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 come on, Ricky bhai. चलो, चलो, French kiss. This is too much. नहीं, दादी को तो French kiss का मतलब भी नहीं पता होगा। हाँ? मुझे बड़ा पता है। हाँ, पता है? Guys, this is a little awkward. Yeah, it's actually very awkward, guys. No. Sorry. इसके बिना हम आप दोनों को कहीं जाने नहीं देंगे। So you have to do it.
चीज थी, लेकिन अब ऋत्विक आपको अपनी ब्यूटीफुल सी फियांसे के लिए कुछ स्पेशल कहना होगा, समथिंग पैशनेट एंड रोमांटिक. प्लीज गो फॉर इट. कैन आई हैव अ माइक प्लीज डीजे? ओह अमेजिंग, थैंक यू सो मच. हियर. क्या बोलूं मैं, आई मीन ना इतना रोमांटिक सा मोमेंट छोड़ के कहाँ चला गया? Why didn't you stop him? Let him go. अगर उसे पसंद नहीं है तो जाने दो उसे. ऋतिक, मैं तुम्हें ये बताने आई थी कि सेतु के किडनैपिंग के पीछे पूरी अंकल का हाथ नहीं है. What? नहीं पूरी, तू मेरा दोस्त है, जो कुछ भी हुआ सच सच बता दे, अब छुपा के कोई फायदा नहीं. मेरी भी बेटियां हैं यार, ये कोई तरीका है? किसी की मासूम बच्ची को किडनैप कर लिया तूने? एक मिनट यार विजय, एक मिनट यार. तुझे भी लगता है कि मैंने सेतु? यार तू ऐसा सोच भी कैसे सकता है? ये देख, संगीत वाले दिन सेतु ने इसी कपड़े से मिलता जुलता कुछ पहना था, और ये कपड़ा तेरे घर से मिला है. मेरे घर? वो यार पर उस दिन तो मैं यहाँ था तेरे घर पे सबके सामने. देख विजय, कोई मुझे फंसा रहा है, और इसके पीछे कोई और है. कबीर? हाँ वही है इन सबके पीछे, पर प्लीज अब ये बात तुम किसी को मत बताना. हमें अभी भी सेतु को ढूंढना है, पर वो अब मेरी टेंशन है. तुम्हें इन सब में पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है. सॉरी, मतलब यार विजय, मैं मानता हूँ कि जमीन जायदाद के मामले में लालची और मक्कार आदमी हूँ, पर ऐसा घटिया काम मैं नहीं कर सकता यार, तू जानता है. वो तू सोच भी कैसे सकता है कि मैं ये सब करूँगा यार. रिकी को ये कपड़ा तेरे घर से मिला है, ये इस बात का सबूत है कि सेतु तेरे घर के अंदर तो आई लेकिन बाहर नहीं निकली. आई एम सॉरी, मैंने इन सब में तुम्हें परेशान किया. मुझे ही लगा था कि इन सब के पीछे पूरी अंकल का हाथ है, और इसलिए तुम्हें भी ये लगा. आई गॉट यू इन्वॉल्व इन दिस, आई एम रियली सॉरी. तुम प्लीज जाओ, तुम अपनी शादी एंजॉय कर. आज के बाद मैं तुम्हें परेशान नहीं करूंगी. तुम्हारी शादी होने वाली है, और शादी एक ही बार होती है ना, तो एंजॉय. तुम्हारी लाइफ की एक नई जर्नी स्टार्ट होने वाली है. ऑल द बेस्ट. पर सेतु को ढूंढने की जर्नी तो हमारी थी ना. आई मीन दैट वाज द डील, राइट? सेतु को ढूंढने की जिम्मेदारी जितनी तुम्हारी उतनी मेरी है, तो तुम मुझे कैसे इग्नोर कर सकते हो? हाउ कैन यू जस्ट लेट मी बी? ऋतिक थोड़ा प्रैक्टिकली सोचो, तुम्हारी शादी हो रही है और तुम मेरे साथ सेतु को ढूंढने चलोगे? हमेशा की तरह गलत डिसीजन ना. गो बैक, तुम्हारी फैमिली एंड अन्ने सब तुम्हारा वेट कर रहे हैं. एटलीस्ट उसके लिए तो सब कुछ स्पेशल बनाओ, क्योंकि ये पल वापस नहीं आएंगे. तो मेक मेमोरीज. मैं तुम्हें अकेला नहीं जाने दे सकता. दैट्स नॉट हैपनिंग. मैं वहां अकेले नहीं जा रही हूँ. सेतु के पेरेंट्स हैं मेरे साथ. वो बहुत ही डेंजरस इंसान है. वो तुम्हें, सेतु को, डोंट वरी, वो मुझे कुछ नहीं करे. बहुत बड़ी जासूस हो तुम. 40 एंजल समझ रखा तुमने अपने आप को. अकेले चल पड़ी हो. पागल हो तुम. तुम्हारी शादी है, तुम्हें यहाँ नहीं तुम्हें वहाँ होना चाहिए. मैंने डैड को वैसे भी बोल दिया पूरी अंकल के बारे में. तो तुम रोको ना. तुम क्या कर रहे हो? तुम्हें क्यों बताया? तुम कितने इंपल्सिव हो यार. मैं इंपल्सिव हूं? तो तुम क्या कर रही हो? ऋतिक प्लीज अंडरस्टैंड, मेरी फैमिली की वजह से तुम्हारी लाइफ में इतनी मिसअंडरस्टैंडिंग हो चुकी है, मैं और नहीं चाहती. और मेरी वजह से तुम्हारी लाइफ में जो तकलीफें आई हैं उसका क्या? ऋतिक प्लीज इतने इंप्रैक्टिकल मत बनो. जाओ अपने पापा से बात करो, सब कुछ क्लियर करो, पूरी अंकल से बात करो, उनका रिलेशन है तुम्हारे साथ. और अनन्या, उसके बारे में सोचो.
सब कुछ खराब हो जाएगा। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम क्या बोल रहे हो, तुम पागल हो गए हो? फर्क नहीं पड़ता? हाँ मैं पागल हो गया हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे। पता क्यों? क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। I love you, Nick. Do not let you go. मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। I love you, I love you. सब ड्रामा की जरूरत नहीं था यार, इन सबके सामने मुझे जलील किया, तो मुझे खो दिया रिकी यार। तुम्हें सोचना है रिकी, अगर तुम उसे सचमुच बहुत चाहते हो, उससे प्यार करते हो, तो तुम अपने आप को पहले मनाओ। अगर तुम चाहते हो कि सब कुछ सही हो, ये फैसला तुम्हें खुद करना है।